हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट्स लेते हैं उन सभी को ई केवाईसी करना जरूरी है, लेकिन ई केवाईसी करते समय बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। जैसे कि अगर आप जनरल यूज़र मतलब आप खुद से ई केवाईसी करते थे तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। जैसे कि आप वहाँ पे ओटीपी इंटर करते थे और ओटीपी जबकि सही ओटीपी इंटर करने के बाद इनवैलिड बता रहा था, और बार बार ट्राई करते थे और बार बार इनवैलिड बता रहा था सही ओटीपी डालने के बावजूद भी। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट था जिसके रिगार्डिंग में एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। और अगर आप सीएससी से करते थे तो वहाँ पे दिक्कत क्या होता था कि सीएससी से करेंगे तो बायोमेट्रिक के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे मशीन ही ऑन नहीं हो रहा था, चाहे वो मंत्रा हो या फिर मॉर्फो हो, डिवाइस ही ऑन नहीं हो रहा था, तो फिर बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। बोले तो एक जनरल यूज़र के लिए बड़ा अपडेट आया हुआ है और दूसरा सीएससी वालों के लिए बड़ा अपडेट आया हुआ है। कुल मिला के दो अपडेट आया हुआ है। दोनों अपडेट के बारे में आज किस वीडियो में बताने वाले हैं और दोनों अपडेट बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पे जाएंगे तो ऊपर में ही आपको ई केवाईसी का बटन मिल जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको कमिंग सून दिखेगा। ये जितना भी ऑप्शन आता था ई केवाईसी करने का वो सारा गायब हो चुका है। तो क्या ई केवाईसी होना बंद हो चुका है? दोस्तों, ई केवाईसी होना बंद नहीं हुआ है। कमिंग सून का मतलब है कि फिर से इसको चालू किया जाएगा। अभी ये ऑप्शन को हटा दिया गया है। हटाया इसलिए गया है कि जो भी दिक्कत हो रहा था ना उसको अभी ठीक किया जा रहा है, और जब सब चीज़ सही हो जाएगा मतलब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर से सारे ऑप्शन को ला दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला दिक्कत होता जनरल यूज़र के लिए कि ओटीपी सही डालने के बावजूद भी इनवैलिड बता रहा था, और कैप्चा का भी गलती हो रहा था, कैप्चा जो लिखा हुआ है वही डालने के बावजूद भी वो इनवैलिड बता रहा था, ओटीपी इनवैलिड। जनरल यूज़र के लिए दो प्रॉब्लम होता था। तो आप जनरल यूज़र के थ्रू ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही सब चीज़ सही हो जाएगा उसके बाद फिर से ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद इजीली आप अपने ई केवाईसी को कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी बग है उसको तो फिक्स किया ही जा रहा है, इसी की वजह से ऑप्शन को हटा दिए गए। फिर से डेफिनेटली आएगा, आप कर पाएंगे। और अब बात करते हैं कि सीएससी वालों के लिए क्या अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, ट्वीट के जरिए जानकारी दिया गया है कि जो बायोमेट्रिक डिवाइस अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे कि मंत्रा का आता है, मॉर्फो का आता है, स्टैटिक का आता है, इसमें से मात्र स्टैटिक डिवाइस ही अभी काम कर रहा है। इसके थ्रू जो लोग भी अपना ई केवाईसी कर रहे हैं वो इजीली हो जा रहा है सक्सेसफुली, और जो लोग मंत्रा या फिर मॉर्फो से कर रहे हैं उन लोगों का डिवाइस ही ऑन नहीं हो पा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और कुछ दिन बाद ये मंत्रा या फिर मॉर्फो डिवाइस भी वहाँ पे कनेक्ट होने लगेगा, उसका डिवाइस भी ऑन होने लगेगा, आप उसके थ्रू भी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अभी वहाँ से सपोर्ट को ही हटा दिया गया है, मतलब मंत्रा और मॉर्फो जो डिवाइस है इसका सपोर्ट ही वहाँ से हटा दिया गया। जैसे ही सपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा फिर आपका डिवाइस काम करने लगेगा, ऑन हो जाएगा, उसके बाद इजीली आप कर पाएंगे। जैसे ही उधर लॉन्च होगा जनरल यूज़र के लिए, उधर वैसे ही आपका इधर मंत्रा और मॉर्फो डिवाइस भी कनेक्ट होने लगेगा। तो अगर आपको ये दोनों अपडेट यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से अपडेट वाला वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से किसी अगले टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं, उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।